आज हमारे पास है दुनिया की सबसे सस्ती वैनिटी वैन। यार ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर हम काफी दिन तक रह सकते हैं, इसके अंदर सो सकते हैं, नहा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे एक 5-star होटल होती है वही फैसिलिटी इस गाड़ी के अंदर है। यार ये इतनी सस्ती गाड़ी है कि इसकी प्राइस सुनकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बाहर से जो इसकी डेकोरेशन वगैरह है, कैसे क्या बनावट है वो दिखाते हैं, और फिर अंदर से जो इसकी पूरी डिटेल के साथ दिखाते हैं। तो चलो गाइस, यार इस गाड़ी के अंदर इतने सारे फीचर हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि यार इतने सारे फीचर हैं। तो यार इस पूरे गाड़ी की पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे पास राकेश जी हैं, हम उनसे पूरी डिटेल जानते हैं। तो आगे से स्टार्ट करते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको बताने के लिए। फ्रंट गाड़ी का है, लुकिंग है, सबसे पहले अपन ने फ्रंट में ऊपर एक CCTV कैमरा यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि गाड़ी चलाते वक्त भी और इनकेस किसी भी इमरजेंसी के वक्त हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें। एक एक्स्ट्रा डोर यहाँ पे अंदर एंट्री के लिए अपन ने बनाया हुआ है, जब अपन इंटीरियर देखेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ग्राफिक्स उसके गाड़ी के ऊपर अपन यहाँ पे लगा के रखे हैं ताकि गाड़ी में और अच्छी लुकिंग आ जाए। एक स्टोरेज स्पेस के लिए एक स्पेस यहाँ बनाया हुआ है अपन ने ये, ताकि कोई भी बाहर का आइटम या कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर कर सकें। इसके पीछे बेस्टेज वाटर टैंक, जो पानी अंदर अपन यूज कर रहे हैं बाथरूम में या किचन में, वो पानी बेस्टेज वाटर कहाँ निकलेगा, रोड पर नहीं फैले, इसके लिए एक बेस्टेज टैंक इसके नीचे लगाया हुआ है ताकि जब भी आपका वो फुल हो जाए आप उसको कहीं भी ले जाके खाली कर सकें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये एक सिलेंडर माउंटिंग अपन ने बनाया हुआ है। इसमें LPG अगर यूज करना चाहे कस्टमर तो सिलेंडर बाहर ही वो माउंट कर पाएगा, इसमें रख पाएगा, यहाँ अंदर से लॉक करके सिलेंडर इसमें रख सकते हैं आराम से। दूसरा स्टेपनी माउंटिंग, जनरली अपने को एक स्टेपनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है स्पेयर व्हील की, इनकेस कभी पंचर हो जाए तो, उसके लिए बिल्कुल पैक करके ये बनाया हुआ है। लुकिंग वाइज आपको देख पा रहे हैं जैसा कि बहुत ही शानदार लगेगा। नीचे आप देख पाएंगे एक टैंक लगा हुआ है, फ्रेश वाटर टैंक। क्या मैं इस सीढ़ियों से ऊपर जा सकता हूँ? डेफिनेटली सर, जाइए, देखिए इनकी मजबूती। यार इधर भी एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, इसके तो चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यार इसके अंदर तो एक सोलर प्लेट लगी हुई है जिसको हम आसानी से नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं। देखो अभी नीचे से ऑपरेट कर रहा है, ये देखो ओपन हो रहा है, और एक वाटर टैंक लगा हुआ है। वाह राकेश जी, ऊपर तो और भी शानदार है। थैंक यू सर। देखो कितना ऊपर हो गया जो हमारा सोलर प्लांट था। तो चलो गाइज हम नीचे आते हैं। तो चलो गाइज इसका इंटीरियर देखते हैं, इसके अंदर की क्या क्या फैसिलिटी है। यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जो ये वैनिटी वैन है। ये एंट्री डोर है वैनिटी वैन में एंट्री करने के लिए, ये हमने लगा दिया, इस पे पैर रखे हम बड़े आराम से अंदर एंट्री कर पाएंगे। वाह यार राकेश जी, ये तो जैसे कोई 5-star होटल। यार ये तो काफ़ी कूल भी है, इसके अंदर AC चल रही है। गाइज अंदर आकर के काफ़ी मजा आ गया यार, एक अलग सी फीलिंग आ रही है। तो चलो गाइज पहले हम जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड में सारे पावर स्विच और सॉकेट यहीं डैशबोर्ड पे अपने यहाँ पे दिए हुए हैं इस गाड़ी पे। ये बटन है ऊपर, सोलर पैनल जो अभी आप देख रहे थे मूव करने वाला, वो यहाँ से ऑपरेट होता है। वुडन वर्क किया हुआ है जो कि लुकिंग वाइज आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। सोनी का 7-inch टच स्क्रीन स्टीरियो इसमें लगाया हुआ है। सिगरेट लाइटर यहाँ दिया हुआ है आपके किसी भी यूज के लिए। गाइज ये जो डैशबोर्ड है इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का यूज लिया हुआ है, इसको हम चला करके भी दिखाएंगे, चारों तरफ घुमा करके दिखाएंगे। पहले हम इसका अंदर का इंटीरियर देख लेते हैं, उसके बाद में आगे इसको रनिंग करते हैं और देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहले जैसे ही आप घुसते हो एक स्टोरेज स्पेस हमने जहाँ ये सीट बनाई हुई है ड्राइवर के पीछे, दो लोगों या एक लोगों के लिए आराम से बैठ पाएंगे, और एक स्टोरेज स्पेस इसके नीचे की जगह को यूज करते हुए दिया हुआ है जिसको आप आराम से किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज टेबल यहाँ दी हुई है, आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई टेबल है, नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई देगी। लेकिन ये एक टेबल हमारी हो गई जो जब हमें ज़रूरत है हमने ये यूज कर लिया, ज़रूरत नहीं है हम इसको ईजीली बंद कर सकते हैं सिर्फ एक टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे। यार ये तो मेरे को लग्जरी किचन लग रहा है, इसके अंदर काफ़ी देखो यार सुविधा है, इधर स्विच है, यहाँ से गैस की नलकी है, यहाँ हैंड वॉश है, वॉश बेसन है जिसको हम काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसके बारे में और भी डिटेल राकेश जी बताएंगे, तो राकेश जी हमें इसके बारे में और भी डिटेल से बताओ।
जरूर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप बिल्कुल सही गैस की है, ये किचन पट्टी है, किचन टॉप अपन ने यहाँ पे लगाया हुआ है, और जो सिलेंडर माउंटिंग मैंने बाहर आपको बताई थी वहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। यहाँ हम गैस चूल्हा रख के इससे कनेक्ट करके स्विच दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली इसको चालू करके यूज कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा होता है सिंक, हमें बर्तन वगैरह धोने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये अपना एक सिंक इसमें हमने लगाया हुआ है, जिसको आप देख पाएंगे, इसका नल है, मूवेबल है, इसको हम ऊँचा करेंगे, यहाँ हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर की सुविधा आपको मिलेगी, और जब इसका यूज नहीं है हम इसे बंद कर सकते हैं और पैक करें ताकि आपको देखने में सही लगे, ठीक लगे। ये कुछ स्टैंड्स बनाए हुए हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी चीज़ें यहाँ स्टोर कर पाएंगे। ये एग्जॉस्ट फैन आप इसके ऊपर देख पाएंगे, किचन यूजेज के लिए हमें एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, यहाँ पैक एग्जॉस्ट फैन है, जब इसकी ज़रूरत है ये ओपन हो जाता है और आप इसको यूज कर पाते हैं। राकेश जी, ये इधर क्या है, ये अलग ही बना हुआ है? जी जरूर सर, मैं बताना चाहूँगा, ये है, ये हमने एक बाथरूम यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें फोल्डिंग गेट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से खोला और ये दरवाजा फोल्ड हो जाता है। वाह, ये तो काफी फोल्डिंग डोर है, अभी अच्छा। आप देख पाएंगे अंदर WC सीट लगी हुई है, हैंड सावर, आपका सोप डिश पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके और इसमें भी एग्जॉस्ट फैन हमने लगाया हुआ है, एक फैन भी है ताकि गर्मी अगर आपको लगे तो आप यूज कर पाएंगे। ये तो काफी लग्जरी जो वॉशरूम होता है वो है गाइज, जो इसके गाड़ी के अंदर पीछे है जो शायद बैठने की और सोने की व्यवस्था है। तो चलो गाइज आगे चलते हैं और देखते हैं, तो इसके बारे में हमें राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, इसके बारे में भी हमें डिटेल से बताओ। जरूर सर, बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ अंदर एंट्री करते हैं तो एक सोफ़ा हमें यहाँ बैठने के लिए मिलता है, तकरीबन 4 से 5-6 लोगों के लिए आराम से एक सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट आती है कि रात हो गई या फिर मुझे थकावट हो गई, मैं चाहता हूँ सोना, तो मैं क्या करूँ? इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो ये आपका सोफ़ा देखते ही देखते एक बड़े बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखते ही देखते बेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये गद्दी आप आगे ले आइए, ये तो फोल्डेबल जो बेड होता है वो है। अब आराम से 2 से 3 लोगों के लिए आप देख पाएंगे कि यहाँ स्लीपिंग अरेंजमेंट आपका बन गया। वाह, इसमें तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर हमारे पास ज़्यादा लोग हो, जैसे हमारी पूरी टीम है, वो अगर पूरी एक साथ रहे तो हम इस वैन के अंदर कैसे क्या रह सकते हैं? बिल्कुल सर, उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था कीजिए। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे एक बेड आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कैसे चढ़ेंगे कैसे उतरेंगे। जब हमें इसको सोना है तो मैं रिमोट ऑपरेटेड, ये बंक बेड अपन ने यहाँ बनाया हुआ है जिसको हम एक रिमोट की मदद से ऑपरेट करके इसको हम नीचे ले आएंगे। आप पे 3 से 4 लोग नीचे आराम से सो पाएंगे, और ज़रूरत अगर आपको एक्स्ट्रा पर्सन को सुलाने की है ऊपर सो जाएंगे, तो 3 लोग आप ऊपर भी इजीली सो सकते हैं। इसमें तो काफ़ी लोग रह सकते हैं, ऊपर अलग सो सकते हैं, नीचे अलग सो सकते हैं, और ये तो रिमोट से मूवेबल हो रहा है। गाइज, आपने देखा चलता फिरता 5-स्टार होटल, यार जो 5-स्टार होटल होता है उसके अंदर रूम में जो फैसिलिटी है वो पूरी की पूरी फैसिलिटी है, किचन है, वॉशरूम है, और इधर इसके अंदर फ्रिज भी है, आरो भी लगा हुआ है। ये गाड़ी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो गाइज, इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, थोड़ा मार्केट में चलते हैं, तो इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं और मार्केट में जा कर के देखते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो चलो गाइज चलते हैं। वैनिटी वैन थी, इसका अच्छे से टेस्ट ड्राइव किया, इसका एक्सटीरियर देखा, अंदर का जो इंटीरियर था वो काफ़ी अच्छा था। अब बारी आती है इसके जो प्राइस की, यार आप भी इसका वेट कर रहे होंगे, तो अब इसकी प्राइस पूछते हैं हमारे राकेश जी से।
राकेश जी ये जो गाड़ी है काफ़ी हमें काफ़ी अच्छी लगी, तो अब इसकी प्राइस सर बेस्ट प्राइस की बात करें तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में आपने बताया कि इंडिया की या दुनिया की सबसे सस्ती वैनिटी वैन, तो बेसिकली प्राइस स्टार्ट करें तो हम 30 लाख रुपये से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसके फीचर्स के बारे में आगे बढ़ेंगे, जो भी चीज़ें अपडेशन करते जाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली रेट थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।